खुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को लेकर पूर्वाचंद वासियों में रोष। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर दी आंदोलन की चेतावनी। हनुमानगढ़ जंक्शन में खुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को लेकर बुधवार को श्री सार्वजनिक छठ पूजा महोत्सव प्रबंध समिति ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप कर अधूरे घाट निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की है। राजस्थान पूर्वाचल समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष सिंह के नेतृत्व में पूर्वाचल समुदाय के लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला कलेक्टर को बताया कि गत वर्ष 20 अक्टूबर 2019 को हुई वार्ता में लिखित समझौते में शेष रहे खुंजा नहर पर 900 फुट में घाट निर्माण का कहा गया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बाबत पूर्व में भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र दिए गए, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने मात्र आश्वासन दिए, घाट निर्माण शुरू नहीं किया। प्रदीप पाल प्रवक्ता ने बताया कि छठ पूजा महोत्सव में 2 माह शेष हैं, घाट निर्माण नहीं होने से पूर्वाचल वासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से खुंजा नहर पर शेष रहे 900 फुट घाट निर्माण कार्य इसी माह शुरू कराने की मांग की है। छठ महोत्सव समिति की तरफ से राजस्थान पूर्वाचल समिति के अध्यक्ष सुभाष सिंह बोल रहा हूँ। कलेक्टर साहब से एक ज्ञापन देते हैं जो खुंजा नहर के अंदर निर्माण के लिए जो 900 फुट का बकाया था, तो जो एक साल के करीब एएन और केएन दोनों सिंचाई विभाग द्वारा जो बकाया था उसको ज्ञापन देने के आए हैं ताकि इसका शीघ्र निर्माण करें, क्योंकि 2 महीने के बाद हमारा छठ महोत्सव का पर्व स्टार्ट होने वाला। तो कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, मैं जेएन साहब को मार्क करता हूँ, उनको बुला के हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम पूर्व में भी आंदोलन कर चुके हैं, फिर आंदोलन करेंगे और जेएन एक्शन सिंचाई विभाग का घेराव करेंगे।